हरे कृष्णा अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सूरत प्रभाव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम्। इसका अर्थ, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। इसका तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोगों के हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए इंद्रलोक सूर्यलोक इंद्रलोक चंद्रलोक महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणतः यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने सब कुछ समावेश कर दिया है, पूरा ट्रांसलेशन दे दिया है कि सब शाश्वत कारणों का कारण जो है वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान कहते हैं गंतव्य लक्ष्य जो है वो पालनकर्ता यानी सस्टेनर, और फिर स्वामी मास्टर, साक्षी यानी विटनेस, धाम यानी अबॉर्ड घर भगवान का, अल्टीमेट डेस्टिनेशन अल्टीमेट गोल जो है शरण स्थली, और सबसे प्रिय मित्र सूरत बेस्ट फ्रेंड वो क्या है, भगवान है, और सृष्टि तथा प्रलय का आधार जो है आश्रय जो है अविनाशी बीज जो है वो सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। तो
तो हर कोई गंतव्य, किसी ना किसी गंतव्य गति तक पहुंचना चाहता है ना। गति का एक और भी मीनिंग होता है स्पीड, गति। गति का ये पहला मतलब जो बताया है यहाँ पे वो भगवान, इसका मतलब क्या है, लक्ष्य जो बता रहे हैं भगवान, गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन। तो हर किसी जीवात्मा का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो भगवान कृष्ण ही है, और जो भी वो पाना चाहता है वो कृष्ण ही है। मगर जो कि जो जीवात्मा है यानी हम हैं, हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और नाना प्रकार के लक्ष्य बना के इर्द गिर्द उसी के घूम रहे हैं, जबकि हम भगवान कृष्ण से विरक्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारा अलग अलग लक्ष्य बनते जाता है और चेंज होते रहता है, मतलब। मगर परम जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण ही है, इसीलिए हम कहीं रुक नहीं पा रहे हैं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो जीव ये समझ जाता है इस श्लोक के द्वारा भगवद गीता को पढ़कर कि कृष्ण, भगवान कृष्ण ही हमारे परम गंतव्य है, हमारे गति है, लक्ष्य है, तो उसका जो वो फाइनल डेस्टिनेशन है वो पा जाता है, वो गंतव्य पा जाता है, छू लेता है, पकड़ लेता है, और उसके पश्चात उसकी जो जीवन मृत्यु की जो विशियस साइकिल है, खतरनाक मरण की साइकिल है, वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सबसे तसल्ली देने वाला सुखदायक श्लोक भगवान बताते हैं, ये हर किसी को समझना चाहिए, जरूरत है। तो भगवान कहते हैं वही सबके स्वामी है, वही सबके बेस्ट फ्रेंड है। अगर किसी को आश्रय चाहिए तो भगवान ही शरण स्थली है। ये स्थली, वो स्थली, इसके पास, उस देवी देवता के पास जाना, इस इंसान के पास जाना, छू मंत्र के पास जाना, न कोई तांत्रिक विद्या के पास जाना, इसके उसके पास जाने के बजाय आप कृष्ण के पास जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, और इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी आपको सुख का प्रदान होगा। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यही बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो आप मेरे पास ही आइए। लोग कभी कभी दुनिया में मजाक उड़ाते हैं, अरे आप कितना हरे कृष्ण करोगे, भगवान को कितना परेशान करोगे, भगवान थक जाते होंगे, उनको थोड़ा आराम दीजिए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, भगवान कभी सोते नहीं हैं, भगवान कभी थकते नहीं हैं, वो अविनाशी है, अटल है और अच्युत हैं, वो कभी नहीं गिरते, वो कभी नहीं सोते और वो कभी नहीं थकते, वो निरंतर हम पर नज़र रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताते हैं वो साक्षी हैं हमारे, वो इन्वॉल्व नहीं होते हर चीज़ में, मगर वो विटनेस मतलब देखते हैं। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि दो पक्षी है डाल पर, एक खा रहा है मतलब उपभोग कर रहा है, और दूसरा उसका मित्र है जो उसको देख रहा है। जो देखने वाला मित्र जो जहाँ पे बताया है वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण है, जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और हमको देख रहे हैं हमारे कार्यों को। मगर हम ही जो मूर्ख जीव हैं, हम ही दुर्भाग्यवश माया के चपेटे में आकर भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम भगवान को पहचानें। दोस्तों आज हम अधिक मास के बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अधिक मास को मल मास भी कहा जाता था पहले, और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है अभी। तो क्यों ऐसे कहते हैं, तो अधिक मास जो है ना दोस्तों, यह मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से, सनातन धर्म के मुताबिक और वैदिक परंपरा के हिसाब से दो कैलेंडर्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, एक सोलार कैलेंडर होता है और एक लूनार कैलेंडर होता है, मतलब सूर्य और चंद्रमा, ये समय के गति के अनुसार चलते हैं, ठीक है। सूर्य जो है वो थोड़े फास्ट चलते हैं और चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा धीमे चलते हैं सूर्य के मुकाबले। तो एक साल में जो गति है दोनों की, सूर्य जो है वो 365 डेज यानी 365 दिन कवर कर लेते हैं, और चंद्रमा 354 डेज यानी 354 दिन
कवर कर लेते हैं, जिसमें एक साल में 11 दिन का भेद आ जाता है। तो 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद ये पूरा महीना एकत्रित होता है, जिसको अधिक मास कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा मंथ। तो दोनों कैलेंडर जो है ना, इसको इक्वलाइज करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कर दिया जाता है, रीसेट किया जाता है ना। तो उसको, उस एक महीने को ऐड किया जाता है लगभग 32 महीने के बाद। इस महीने को इसलिए भी अधिक मास कहते हैं क्योंकि नरसिंह भगवान का प्राकट्य इसी महीने में हुआ था। अब जो हिरण्यकशिपु है ना, उसने ब्रह्मा जी से न मरने की वरदान मांगने के लिए वो गया था, मगर ब्रह्मा जी तो इन सब के कर्ता धर्ता नहीं है, वो तो सिर्फ सृष्टि के ये हैं, बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, भैया तुम और कुछ वरदान मांग लो, मरने का ये जो है मृत्युंजय वाला, ये मैं नहीं तुमको दे सकता। अमृतत्व का जो ये है वो तुमको वरदान मैं नहीं दे सकता, तो विष्णु के पास है। अब विष्णु तो इसके दुश्मन है, तो इसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने सब तरह के इंश्योरेंस कर डाले, ये नहीं मरना, यहाँ नहीं मरना, हाथों से नहीं मरना, किसी तलवार से, औजार से नहीं मरना, बाहर नहीं मरना, अंदर नहीं मरना, 12 महीने में नहीं मरना है, ऐसे उसने वरदान मांग ली। अब जब उसकी अत्याचार बढ़ते गई और भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज पे भी वो चढ़ गया, तो भगवान सहन नहीं कर पाए और नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया इसी महीने में। तो इसीलिए इसको अधिक मास भी कहा जाता है। अब पहले इसे मल मास भी कहा जाता था, उसका दूसरा एक नाम जो है मल मास। तो ये इसीलिए बोला जाता था क्योंकि, अभी नहीं कहते, पहले कहा जाता था क्योंकि कर्मकांड के हिसाब से इसको अशुभ मानते थे, क्योंकि कोई अच्छा काम, अनुष्ठान, उपवास, व्रत, त्यौहार, संस्कार वगैरह नहीं करते थे, इसमें कोई ऐसा अच्छा कार्य, पुण्य कार्य नहीं करते थे इसको, इसीलिए इसको मल मास कहा जाता था। पुराणों में और एक कथा आती है जहाँ पे उस एक जगह पे दिया गया है कि सब महीनों का अधिष्ठाता देवता है, तो उस महीने का जो देवता है वैसे ही मल मास की भी देवी है। तो इन्होंने क्या किया, जो मल मास की देवी है उसको अबैंडन कर दिया, उसको धिक्कार दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस मास में कुछ अच्छा कार्य नहीं होता था। तो हुआ यूँ एक बार कि सब देवतागण मीटिंग करने लगे, महीनों की जो देवता है, तो उसमें से सब मिलके जब मीटिंग कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि चैत्र को बताओ तुम्हारी क्या महिमा है, तुम्हारी महीने में क्या होता है। तो चैत्र बोला कि मेरे महीने में राम जी जन्म लेते हैं। तो श्रावण महीने को जो है उसको पूछा कि तुम्हारे इसमें क्या महिमा है, तो उसने कहा मेरे महीने में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। ऐसे कार्तिक को पूछा, कार्तिक ने कहा मेरे जो महीने में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ऐसे करते करते हर किसी को पूछते पूछते अधिक मास के पास आए। जब अधिक मास के पास आए तो अधिक मास के पास कोई महिमा नहीं था, कोई उपवास, त्यौहार, कोई अच्छा दिन नहीं था उसके इसमें। तो सब लोग उसका उपहास करने लगे, चिढ़ाने लगे उसको कि अरे तुम्हारे पास तो कोई महिमा नहीं है, तुम्हारा तो कोई अच्छा दिन नहीं है तुम्हारे मास में। तो अधिक मास को बहुत बुरा लगा, उसको बहुत कष्ट हुआ, कोई अच्छा कार्य नहीं है, इसीलिए उसका नाम सबने मिलकर क्या रख दिया, मल मास रख दिया। अब बिचारी रोते रोते जो मल मास की देवी है वो विष्णु जी के पास गई, भगवान विष्णु के पास गई। तो भगवान उसकी सारी कथा सुनने के बाद उसे गोलोक धाम लेके गए, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। तो वहाँ पे गोलोक धाम में जैसे ही एंटर कर रहे थे, तेज रोशनी निकल रही थी उस धाम से, इतनी तेज रोशनी कि उसको जो मलमास की देवी है वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो, उसने क्या किया, वो विष्णु भगवान के पीछे जाके छिप गई और रोने लगी।
रोने का जो आवाज़ है वो कृष्ण भगवान ने सुन लिया, बहुत विदीर्ण कर दिया उनकी हृदय को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे गोलोक धाम में जहाँ पे नित्य नृत्य होता है, गान होता है, बहुत सुंदर धाम है, यहाँ कोई कुंठ नहीं है, सब खुशी हंसी खुशी रहते हैं, तो ये कौन दुख के आंसू रो रहा है, कौन है ये? तो भगवान विष्णु ने सब चीज़ जो है वो बता दिया भगवान कृष्ण को। तो ये सुनकर भगवान कृष्ण मलमास की जो देवी है उसको कहते हैं कि कोई नहीं अपनाता तुमको, तो मैं, मेरे शरण तुम आई हो तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, आज से तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। तो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इस तरह अपना नाम और ऐश्वर्य सब कुछ उस मलमास की देवी को दिए, और पुरुषोत्तम नाम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम ऐसा नाम भगवान ने उस देवी को दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो भी इस महीने में कोई शुभ काम करेगा तो उसे हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। यानी ये महीना इतना पावन है, मतलब थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा कीर्तन किया या थोड़ा सा भी श्रवण किया तो अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। मगर जो महत्वपूर्ण शिक्षा जो है ना दोस्तों इस कथा के द्वारा और इस महीने का, कि वो ये है कि भक्त वत्सल भगवान, भावग्राही भगवान जो है वो लोग कितने भी अयोग्य व्यक्ति क्यों ना हो, मगर अगर उसने कृष्ण भगवान के शरण वो गया है तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। यही इस महीने का जो है वो महत्व है। यह महीना है ना वह भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन और अध्ययन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, दान धर्म आदि करने के लिए मानव को एक तोहफा, एक गिफ्ट दिया है भगवान ने, इसीलिए इसको अधिक महीना कहते हैं, अधिक से अधिक हम इसका लाभ उठा सके। इसीलिए अधिक भक्ति करके हमें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना है दोस्तों। तो अध्ययन का यहाँ पे दो मतलब होता है, अध्ययन एक जो हम अभी कर रहे हैं जो वो श्रवण के इससे माध्यम से, और दूसरा अध्ययन हमको क्या करना है, रीडिंग करना है, पढ़ना है, शास्त्र का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवद गीता जो हम करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, उसको पढ़ना, ये अध्ययन जो है इस तरह से दो तरीके का होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। तो ऐसे आप इस अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, भजन कीर्तन कीजिए और भगवान कृष्ण को खुश कीजिए, और अपना घर जाने का जो ये है टिकट है उसको कंफर्म कर लीजिए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।